अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ डाइट मिक्सचर। तो सबसे पहले थोड़े से मखाने लिए थे, इन्हें कर लिया है ड्राई रोस्ट। अब ली हैं थोड़ी सी मूंगफलियाँ, इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मूंगफलियाँ भी रोस्ट हो गई हैं, इन्हें भी हम मखानों के साथ ही शामिल कर लेंगे। अब हमने लिए हैं चने, इन्हें भी ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो ये ऑलरेडी रोस्ट हैं, बट हम थोड़ा सा और करेंगे जिससे कि ये अच्छी सी खुशबू रिलीज़ करेंगे। और जो एक्स्ट्रा पील है वो हम हटा देंगे, सारा नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसका जो पील होता है उसमें बहुत फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी गर्म किया था ऑयल और उसमें ऐड किया है चिड़वा, तो इसको हमने फ्राई करके निकाल लेना है और एक पेपर पे रख देंगे जिससे कि एक्सेस ऑयल निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें रोस्ट की थी वो और जो फ्राई किया था वो हमने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा लिया था कड़ी पत्ता, इसको भी फ्राई कर लिया है, तो ये हम हाथ से ही क्रश करके ऐड करेंगे। थोड़ी सी ली है किशमिश, ये भी हमने उसमें ऐड करना है। 1/4 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लिया है पैरी पैरी मसाला। अगर आप चाहें तो सॉल्टी फ्लेवर रखें, लेकिन इससे बहुत ही उम्दा हो जाता है। अब हमने क्या करना है, सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर दी हैं, बस तैयार है डाइट मिक्सचर। मखाने हैं इसमें तो हेल्दी कितना रहता है ये आप समझ ही गए होंगे, और किशमिश भी है इसमें। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक हेल्दी सा मिक्सचर घर पर ही बनकर तैयार है, मिक्सचर भी और हेल्थ भी। बनाइए और एंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।